Our guest, हमारे सुल्तान सो <coughs> so, हमारे जो सुल्तान हैं उनका नाम ही शारदा रानी है so, जी, yes, wow. आपका नाम ही रानी है देखो मतलब दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग नेचुरली हो गया शारदा रानी थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू अवर शो यू आर द सुल्तान ऑफ दिस वीक सो so, आज हम आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं बहुत कुछ जानने वाले हैं एंड वी आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू टू लिसन योर स्टोरी आपकी जो स्टोरी है वो सुनने में हमको बहुत आनंद आने वाला है थैंक यू वेरी मच ओके तो आप बताएं थोड़ा आपके बारे में प्लीज शेयर अबाउट योर आपका नाम कहाँ से है और क्या करते हैं अच्छा थैंक यू फॉर दिस ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी सबसे पहले तो सभी का थैंक यू मेरा नाम शारदा है मैं फरीदाबाद से हूँ मैं मैरिड हूँ मेरे दो बच्चे हैं और मैं एम बी एच हूँ और एज ए एच काम करती हूँ का, कितने टाइम से काम कर रही हैं सर टेन ईयर से वर्क कर रही हूँ हाँ जी दस सालों से सर वाह वेरी नाइस और आप क्या पढ़ा है? पढ़ा मतलब व्हाट आर यू एजुकेटेड सर मैं एम ए संस्कृत हूँ वेरी गुड ओके okay, तो आप पहले बताए कि पहले आपकी लाइफ कैसे चलती थी मतलब पहले क्या होता था पहले कैसे से आप सोचती थी पहले क्या क्या होता था आपकी लाइफ में थोड़ा पहले के बारे में बताया पास्ट लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था इमोशनल ब्रेकडाउन जिसको कहते हैं डिप्रेशन ओके okay. तो, वो था और उसकी वजह से ही मेरा रिलेशनशिप में भी बहुत ब्रेकडाउन था और उसके लिए मैं कुछ लाइनें बोलती हूँ कि में रहना और देखो लाइव है तो कंप्लेन तो होती है ना तो ही है और दो लोग रहेंगे चार लोग रहेंगे तो खटपट तो होगी झगड़े तो होते ही है और दुख तो देखो और संघर्ष ये तो जीवन का हिस्सा है ये मेरी अपनी जिंदगी थी और यही मेरी सोच थी और मैं इसी तरह से जी रही थी यानी फुल ऑफ प्रॉब्लम्स फुल ऑफ प्रॉब्लम जिंदगी चलती थी जिंदगी है तो संघर्ष है स्ट्रगल है झगड़े तो होने वाले हैं उसके ऊपर की कुछ दुनिया ही समझ में नहीं आ रही थी कुछ भी नहीं था जिसको कहते ना झंडू जिंदगी जी रहे थे yes. फिर क्या हुआ फिर आपने क्या प्रोग्राम अटेंड किया के क्या किया आपने फिर मतलब किसके प्रोग्राम किसने आपको इंट्रोड्यूस किया क्या किया आपको इसके अलावा एक चीज और मैं करती थी मैं बहुत सारे व्रत रखती थी सिर्फ इसलिए कि भगवान जी मेरा दुख हर लो और मेरे रिश्तों को अच्छा कर दो रखती थी, भूखी रहती थी उनको पता ही नहीं था कि पूरी शक्ति अंदर है उनके अंदर में है पर वो ये डर, चिंता वरी एंजाइटी रिसेंटमेंट अफसोस गिल्ट ये सब कुछ उन्होंने घर बना दिया था अपने शरीर के अंदर अपने माइंड के अंदर फिर क्या हुआ फिर मेरी एक फ्रेंड है रेनू। वो बहुत अच्छी <laughs> मैजिक प्रैक्टिशनर है उसने मुझे आशमिन मैम की मैजिक बुक ज्वाइन कराई एंड वो दिन और मैजिक जिंदगी में शुरू हो गए कब तो कब आपने शुरू किया पहली बार सर ये मैंने ला अभी दिसंबर में लास्ट दिसंबर में शुरू किया था ऑलमोस्ट तो दस ग्यारह महीने हो गए दस ग्यारह महीने में क्या हुआ आपके साथ सर जिंदगी में खुशियों की बाहर आ गई है <laughs> <laughs> मतलब अब मैं मंदिर में व्रत रखती हूँ किस लिए कि थैंक यू भगवान जी मुझे इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए थैंक यू भगवान जी मुझे इतना अच्छा मतलब जीवन देने के लिए इस तरह के पास रखती हूँ वाह ये तो बहुत उल्टा हो गया ये तो पहली बार सुना मैंने ऐसे भी कोई व्रत रहते हैं <laughs> और उसके अलावा सर सबसे पहले तो मैंने अपने डिप्रेशन के लिए वर्कआउट किया था उसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड से लिखे सेल्फ लव की बहुत सारी चीजों को पूछा सीखा उनकी प्रैक्टिस की और उसके साथ एक सबसे बड़ा मैजिक ये हुआ है कि मैं सेल्फ लव की प्रैक्टिस करने से अब मैं हर किसी के साथ जब एक रिलेशन को एंजॉय कर रही होती हूँ तो सबसे पहले मैं देखती हूँ इससे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है तो मैं क्यूँ देना कि मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ तो ये चीज अब जुड़ गई है इवन uh, रिसेंटली मैंने सोचा कि देखो इन पेड़ों से मेरा कितना अच्छा रिश्ता है ये मुझे ऑक्सीजन देते हैं और आई एम लिविंग तो फिर इसमें अच्छा रिश्ता कहां से हो, तुमने क्या किया मैंने कहा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड दी उससे इनको भोजन बनता है तो <laughs> <वासे पासेंगे. laughs> so, इतना मतलब अपने लिए मैं अच्छा सोचने लग गई हूँ पॉजिटिव एंड इसकी वजह से और रिश्तों में इतने मैजिक हो गए हैं कि रिश्तों में ब्रेकडाउन ये था कि अगर फैमिली एक कमरे में है ना तो मैं दूसरे कमरे में हूँ अगर किसी ने मेरी बुराई की तो तो देखो सभी रोते ही हैं, मैं भी रोती थी लेकिन अगर किसी ने <laughs> कि <laughs> कुछ पावर ही नहीं था जिंदगी में समझ में आया गया ये, ये, कुछ भी बोलते तो ये बग जाती थी कुछ भी बोले तो रोना लग जाती थी डिप्रेशन में थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था गाइडेंस ही नहीं था हाँ जी फिर सर उसके बाद थैंक यू फॉर आश्विन मैम की बुक होती है घर में गीता भी होती है रामायण होती है लेकिन उनसे आपको फायदा कैसे लेना है यह गुरु सिखाता है सर सर तो उसके बाद सर, अरविंद सर ने एक लाइन बोली थी कि जो प्रैक्टिस है ना इसकी उसमें बब्बर शेर है राजन सर मुझको था मुझे इतनी हाई एनर्जी वाले जोन में जाना है बब्बर शेर वाली एनर्जी के और मैंने व्याजी बुक से प्रैक्टिस करके सीखा and I I manifest your sessions. wow. Great. And within one month you started this I am amazing great, जादू देखो सबसे बड़ा जादू तो मेरे माइंड शिफ्ट में ही हुआ तो मेरे रिश्ते इतने अच्छे हो गए <laughs> अब मैं जिन लोगों से बस्ती फिरती थी ना अब मुझे पता चलता उन लोगों ने मेरे पकौड़े बनाए अब मैं ऑफिस से आती हूँ दे गेट रेडी दि वर्क कि ठीक है आप थके हुए थोड़ी देर ले हो उसके बाद देखते हैं कुछ उन्हीं लोगों से रिश्ते अच्छे हो गए और उसके अलावा मेरी जॉब में इतना बेनिफिट हो गया है कि मेरी जॉब में मुझे डेली लगता था ऑफिस जाना आज भी जाना पड़ेगा और अब ये होता है कि वहां पर मेरे जूनियर्स या मेरे कलीग्स मेरे लिए काम करके मुझे थैंक यू बोलते हैं मैडम आपने काम दिया ना मेरा काम कर रहे होते हैं मुझे थैंक यू बोलते हैं कि मैडम आपने काम दिया तो हमारा लेवल अप हो गया हमारी ग्रोथ होगी थैंक यू Hmm. और मुझसे भी मिस्टेक होती है ना इवन मेरे कंपनी ओनर कहते हैं अच्छा मैडम कोई नहीं मैंने बात कर ली है वो चीज ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएगी मीन एवरीथिंग थिंग सपोर्टिंग दी एंड मनी मैजिक मतलब वो मेरी जॉब ना जहाँ ब्रेक डाउन थे डिफिकल्ट ब्रेक डाउन थे आई गॉट प्रमोशन विदाउट विदाउट एनी कम मतलब किसी भी सपोर्ट के बिना कुछ भी बिना ऑटोमेटिक मुझे प्रमोशन मिला तो प्रमोशन मिल गया

फैमिली सपोर्ट के लिए और अपनी गुड हेल्थ के लिए और दो तीन दिन तक मैं लिखती रही बहुत सारी प्रैक्टिस करती रही मुझे तो मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ एंड कंसीडर आई अगेन राइट ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक दिन बचा था एंड आई साइड की देखो मैं ठीक हूँ और मुझे जाना है मेरी टिकट तत्काल में मेरी टिकट मेरी, मेरी फैमिली ने बुक कराई और मैं पूरा लगेज लेकर मेट्रो से लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर सारा अपना लगेज उठा के खुद अपने दम से गई और डांस करते हुए मेरी वीडियोस है जो मैंने वैष्णो देवी में खुद चढ़ाई थी और खुद में नीचे उठी wow. तो This इतना अमेजिंग ब्रेक थ्रू दिस इज पावरफुल सो नाइस और बताएं और क्या जादू हुए हैं अभी आपका करियर हो गया रिलेशनशिप हो गया और कौन सा एरिया में कुछ जादू है सर मनी में तो मेरी प्रमोशन हुई है लेकिन अभी बहुत जल्दी ना मैं आपके प्लेटफॉर्म पर ही इन्फॉर्म मतलब सबको शेयर करने वाली हूँ कि जैसे आज मैं ऑटो से आना जाना या अपनी स्कूटी अफोर्ड करना इजी है मेरे लिए बहुत इजी है इसी तरह से ना इंटरनेशनल ट्रिप मेरे लिए इतने ही आसान होंगे और मैं आपके साथ इंटरनेशनल टूर और ट्रिप्स रिट्रीट कर रही होंगी

सर मुझे रिट्रीट में जाना है क्योंकि मुझे जो ये ग्रैटिट्यूड मैजिकल फैमिली है ना इनके साथ जिंदगी इतनी मैजिकल है कि वो हर चीज जो भी हम ट्रू ट्रिप्स करते हैं ना वो मैजिक हो जाते हैं तो मुझे सारे रिट्रीट्स इनके साथ करने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी नाइस एनीथिंग एल्स यू लाइक टू शेयर और yes, बताना चाहेंगे अब प्रैक्टिसेस क्या-क्या करती हैं अब ये जो सब हैं प्रैक्टिस में सर मैं एक अमृत वेला में पेरेंट्स के फाइव एलिमेंट्स के अपनी गुड हेल्थ के ये ग्रेटिट्यूड जरूर लिखती हूँ कंपल्सरी एडिशनली मैं डे मैजिकल डे जरूर मैनिफेस्ट करती हूँ कि बिकॉज मैंने बुक में आने के बाद सीखा है मेरी जिंदगी तो राजा रानियों जैसे ठाट बाट से जीने के लिए हुई है ना तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे कौन से ठाट बाट आज जीने हैं <laughs> 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 आपका नाम रानी है क्या आपने रखा है ये रानी ये मैजिक बुक की वजह से रानी हो गया है अच्छा अच्छा ऐसा ही <laughs> <laughs> देखो ये अपने आप को ही रानी बताती हैं इट इज वेरी सिंपल यू हैव टू बिकम योर ड्रीम ये इन्होंने मुझे लगा इनका सरने में या ऐसा कुछ तो भी है रानी मैं बोला यार इनका तो नाम ही रानी है इन्होंने अपने को ये बिलीव कर दिया है कि मैं एक रानियों वाली जिंदगी जी रहा हूं कैन यू सी द लव द अबंडेंस ऑन फेस कितना लाफ्टर कितना खुशी आई मीन एंड शी इज एक्सप्रेसिंग इट पहले जो होता था ना हम खुशी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते थे दुख तो भर भर के एक्सप्रेस करते थे लंबा चौड़ा कर देते थे अरे मैं दुखी हूं मेरे साथ तो ये हो गया वो कैरेक्टर में भी घुस जाते थे पर हैप्पीनेस वाले कैरेक्टर में कभी नहीं घुसते थे, थे हम ये सीखने वाली बात है एक्सप्रेस योर happiness, एक्सप्रेस योर accomplishment. आपका कुछ अच्छा काम हुआ है ना उसको भर भर के लोगों को बताओ पहले हमें यह बताया गया था कि कभी अच्छी बातें या पैसे कमाया ज्यादा होशियारी नहीं बानना किसी को बताना नहीं नजर लग जाती है पर अब हमें समझ में आ गया कि हम जितनी ज्यादा खुशियां बांटेंगे उतनी ज्यादा खुशियां अट्रैक्ट करेंगे एकदम सिंपल है आज अगर ये शारदा रानी जो आज शेयर कर रही है फरीदाबाद से तो व्हाट इज शी डूइंग शी इज गिविंग आउट लव एंड मोर लव मोर अबंडेंस मोर हैप्पीनेस विल बी अट्रैक्टेड टू हर इट इज वेरी सिंपल आओ यार अपनी जो अच्छी बातें है ना वो शेयर करो लोगों को बताओ कि आप भी कर सकते हैं अगर शारदा ये कर सकती है जो कि तो डिप्रेशन में थी आर यू गेटिंग दिस इन्होंने जो अपना पास्ट के बारे में जो बताया कि मतलब वो लोगों को फेस नहीं करती थी रोती रहती थी दुखी में तो लोग रोते ही थे हैप्पीनेस में भी रोती थी मतलब उनको हैप्पीनेस क्या होता है कैसे एक्सप्रेस करना वो आता ही नहीं था और उनकी पूरी लाइफ अटक रही थी अब देखो ऑटोमेटिक उनको प्रमोशन भी मिल गया वाओ और बताएं आपके बारे में जादू बताएं हमको मजा आ रहा है सर अभी मैजिक बुक की जो प्रैक्टिस है आ, उनको करने के लिए क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो अक्सर अपने फ्रेंड सर्कल में बडीज के साथ वाव मूवमेंट शेयर करती अक्सर उनसे पूछती रहती हूँ मैं कंटिन्यूस कीप इन टच से विद सेशन तो आ, कोई ना कोई ऐसा सेशन जरूर अटेंड करने की मतलब अटेंड करती ही हूँ कंपल्सरी है कि लेट इवनिंग और रात को ना आई थिंक नौ साढ़े नौ दस बजे तक मैं फ्री होती हूँ शाम को सारे आठ साढ़े आठ तक घर आती हूँ देन उसके बाद मैं रात को ग्यारह बारह बजे तक लिख कर और अपनी प्रैक्टिस करके सोती हूँ wow. और बेस्ट थिंग सर पता है क्या है मैं रात को मैनिफेस्ट करके सोती हूँ कि मैं अमृत वेले में साढ़े तीन चार बजे उठूंगी तो बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक उठूंगी और इन तीन चार घंटों में ही मेरी बॉडी फुल हील हो जाएगी एंड दैट है कि मैं ग्यारह बजे बारह बजे सोऊं तब भी मैं चार बजे अमृत वेले में पूरी एनर्जी के साथ उठाऊँ

नौ साढ़े नौ किचन का काम करके थकी हुई <laughs> सर थक जाते हैं सारे दिन का काम करते थे पहले पहले ऐसे ऐसे था ऐसे था, और तो, था, था, था। <laughs> तो मैं स्कूलिंग टाइम के हिसाब तो आप साढ़े छह छह बजे साढ़े छह बजे तक उठ जाओ सात बजे बच्चों को स्कूल भेज पाओ काम कर दो एनर्जी की कुछ गोलियां खाती है सर सिर्फ सिर्फ मैजिक प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी शेयरिंग सुनती हूँ उनके बड़े बड़े मैजिक देखती हूँ और पूरी एनर्जी से भरती हूँ कि ऐसे ही बड़े मैजिक मुझे अपने लिए चाहिए समझ में आया ये जो डॉक्टर तुमको एनर्जी की गोलियां देते हैं ना उससे ज्यादा शक्ति ये जो ये जो शारदा रानी जो बता रही है ना वहां हैप्पीनेस एक्साइटमेंट लव ग्रैटिट्यूड ये जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे देखो इनकी एनर्जी कैसी बढ़ गई रात को ग्यारह बारह बजे सोती है सुबह चार बजे उठ जाती है पहले साढ़े नौ बजे सोती थी और छह बजे उठती थी सर दिन में नहीं सोती थी <laughs> <laughs> वाह देखो दिन में भी सोती थी पावर ही नहीं था रोते रहती थी सब कुछ था अभी कुछ नहीं है कोई अच्छा आपने कोई गोली खाई कि कुछ ऐसा कुछ दवाई ववाई ली का ये सब पॉजिटिविटी लाने के लिए पॉजिटिविटी की गोली खाई Uh, सर पॉजिटिविटी की कोई गोल ही नहीं कही सिर्फ और सिर्फ वाव मूवमेंट बहुत सारे सुनती हूँ किसी भी सेशन की स्टार्टिंग के पंद्रह मिनट पहले ज्वाइन करती हूँ ताकि उन सारे लोगों के मैजिक सुन सकू जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट की हुई है तो उससे इतनी एनर्जी मिलती है कि ये वाला ये वाला क्योंकि बिलीव मुझे अपना बढ़ाना है कि मैजिक होते हैं बिलीव अपना बढ़ाते जाना है कि आज मेरा बिलीव छोटे प्रमोशन का है और मुझे बिलीव करना इतना बड़े है कि मेरा इंटरनेशनल चीजें इजी हो जाए वाओ अब आप गाड़ी कौन सी खरीदने वाले हैं सर मैं इनोवा खरीदूंगी <laughs> वाओ इनोवा कौन से कलर की सर डार्क ग्रे कलर डार्क ग्रे कलर की वेरी नाइस नहीं. और क्या सपने हैं अभी आपके सर मुझे इंटरनेशनल सारे हर महीने एक इंटरनेशनल ट्रिप करना है वो भी अपने एक्सपेंस नो फैमिली एक्सपेंस इनवर्ड माय ओन माय ओन एक्सपेंस आपको हर महीने फॉरेन टूर करना है इनोवा गाड़ी खरीदनी है और क्या करना है एंड सर मुझे ना जो मैजिक बुक है इसको इतने वाइड लेवल पर लोगों को इंट्रोड्यूस करना है कि देखो जिंदगी जो मेरे लिए है कि मतलब मेरे पास से अब जो मेरा शिफ्ट हुआ है ना कि ऐसी चीजें सिर्फ इतनी आसान है सर एक चीज जो मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए जब मैंने डे फर्स्ट डे मैनिफेस्ट किया ना तो उस दिन मेरे ऑफिस में बहुत ब्रेक डाउन था एंड आई वाज जस्ट डोंट वांट टू गो और मैंने मैंने मैनिफेस्ट किया आज मेरा दिन ना जॉयफुल है बहुत खुशी से भरा है और वो दिन मेरा इतना खुशी से भरा गया कि मैंने शाम को रॉक के साथ ना जो मैजिक रॉक है उसके साथ ग्रैटिट्यूड डांस किया बंगड़ा बीट लगा के <laughs> और उसके बाद देन सेकंड डे आई जस्ट इन डाउट बट आई अगेन मैनिफेस्ट कि मैजिक है ना वो मैजिक है तो सेकंड डे कि आज के दिन ये स्पेशल होगा आज तो मेरी खुशियों की इतनी खुशियां मिलेंगी की मेरे कानों में ना खुशी से घंटिया बजरी है मुझे प्रमोशन की मिली मुझे आ, जैसे गिफ्ट की मिल जाती है और मुझे कोई छोटी आपस में कोई गेट टुगेदर हो रही होती है उसकी कोई खुशी मिल जाती है कोई ऑफिस में अप्रिशिएशन मिल जाती है जिस दिन मैंने सोचा ना कंटीन आई मैनिफेस्ट एंड इट और मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिंदगी में खुशियां लाना इतना आसान हो सकता है मतलब जस्ट रियली मैच मतलब मैं पता नहीं लोगों को कैसे बताऊं कि है इतना आसान है सचमुच है Wow. देखिए ये एक बात जो अगर शारदा रानी की जो हमें समझनी है वो ये है कि शी इज क्रिएटर ऑफ हर लाइफ वो अपने दिन को मैनिफेस्ट करती हैं पूरा दिन कैसे जाने वाला है वो पहले से सोचती है आर यू गेटिंग दिस अच्छा जाने वाला है पॉजिटिव सोच लेती हैं दिस इज द वे टू क्रिएट योर डे मैं आपको बहुत टाइम समझाता हूं आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग दिस एवरी डे मेरे दिन में जो जो काम है ना मैं सोचता मतलब जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं पूरे सोच लेता हूँ कि आज तो मजा आने वाला है आज इसके साथ मीटिंग है मेरा ये काम हो गया मेरे ये पेमेंट्स आ गए मेरे ये ऑर्डर मिल गए यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस ये रोज करती हैं देखो इन्होंने जो आज इतने सरल भाषा में बताया कि वो अपने दिन को मैनिफेस्ट करती है और अच्छा अच्छा होते जाता है प्रमोशन मिलते हैं लोग उनके काम करते हैं लोग उन्हें भजिया वड़ा पाव खिलाते हैं ले भाई बिकॉज शी इज शी स्टार्टेड लविंग हर सेल्फ और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने जो ऑब्जर्व की शारदा रानी की वो ये है जब मैंने उनको पूछा कि आपके सपने क्या हैं? देखो उन्होंने जितने भी सपने बताए वो खुद के लिए बताए उन्होंने बताया कि मुझे हर महीने फॉरेन टूर जाना है अपने पैसे से नंबर टू इनोवा गाड़ी लेनी है आर यू गेटिंग दिस इन्होंने कोई अपने बच्चों के बारे में अपने हस्बैंड के बारे में अभी नहीं सोचा है यह बहुत अच्छी बात है मैं आप सबको बताता हूं फर्स्ट लव योर सेल्फ मुझे क्या चाहिए डोंट थिंक आर सेल्फिश नहीं नहीं मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा अरे मेरा बच्चा तेरा बच्चा जो है वो भी तो एक मैनिफेस्टर है उसको थोड़ा ग्रेटिट्यूड अफर्मेश लव ये सब चीज सिखा दो वो भी तो क्रिएटर है वो अपनी जिंदगी खुद बनाएगा आप तो मम्मी हैं आप तो पापा है आप उसको दुआएं दे सकते हैं ब्लेसिंग्स दे सकते हैं अक्ल दे सकते हैं बाकी उसकी किस्मत याद रखना ये बात को खुद के लिए सोचना शुरू करो दिस इज आउटस्टैंडिंग शारदा जी ने जो मैनिफेस्ट किया जो बताया वॉज फॉर हर सेल्फ उसके लिए रही हूँ सबको और पूरे रास्ते सभी को मैजिक डस्ट दे देती हुई जाती हूँ किसी रिक्शे वाले पर देखा है फ्रूट्स है कि भगवान करे तुम्हें इतना अच्छा कोई बाहर मिले उसे घर में कोई फंक्शन हो वो तुमसे बहुत सारे फ्रूट्स खरीद ले और तुम्हारी खूब अच्छी सेल हो जाए उसके घर में भी खुशी आए तुम्हारे घर में भी खुशी आए और जो मेरे साथ जो रोड पे चलते हुए ट्रैफिक होता है उनको बहुत सारी दे, देती हूँ मैजिक डस्ट कि तुम्हारी वाली खुशी हो तुम्हारी हिसाब से पूरी हो जिसको तुम्हारी वाली खुशी पूरी हो जिसको रिश्तों में अच्छा चाहिए उनके रिश्ते अच्छे हो जिनको मनी में ब्रेक थ्रू चाहिए उनको मनी, मनी में ब्रेक थ्रू हो तुम सबके जीवन में ब्लैसिंग आए तुम सबके जीवन में मैजिक डस्ट तो ऐसे करते हुए वो पे जाती हूँ तो इससे मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है सर इतना खुश रहती हूँ कि अपने आप ही हंसती रहती हूँ ऑफिस में कहते हैं मैडम कितना भी टाइट माहौल हो आपकी स्माइल बनी रहती है क्या करते हो देखो तो, इनका भी हालत ऐसा है जो गाइड पिक्चर की जो हीरोइन रहती है कितने लोगों ने गाइड पिक्चर का वो हीरोइन का सीन याद है जो उनके हस्बैंड के अंदर में रहती है प्रेशर में रहती है

आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर जीने का इरादा है वाह एंड यू आर लिविंग योर लाइफ सब कुछ अच्छा हो रहा है सब लोग आपको प्यार करते हैं सब लोग इनको ऑफिस इस, में अगर कोई मुझसे पूछे ना कि मैम आप हो क्या थोड़ा ये हेल्प कर दोगे तो मेरे पास तो काम ही नहीं है <laughs> नहीं ऐसा नहीं बोलना आपने आपने ऐसा नहीं बोलना काम नहीं है इट्स बिकम यू नो बिकॉज दैट बिकम्स अ नेगेटिव थिंग जरूर करूंगी जरूर करूंगी मैं यू you नो know? डोंट से मेरे पास काम नहीं है बिकॉज दीज ऑफ देखो योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड आपकी जुबान आप जो बोलते हैं ना वो आपकी दुनिया बना रहे हैं है ना कहीं ना कहीं हम गलती करते रहते हैं सीखते रहेंगे नो no प्रॉब्लम हम सीखते रहेंगे एम्पावर empower करेंगे एम्पावरिंग अवर वर्ड्स हमारी जुबान को हम शक्ति दे सकते हैं हम जो बोलेंगे वही होगा और उसके लिए इंटेग्रिटी <clears throat> में रहना बहुत जरूरी है अगर आपको इंटेग्रिटी क्या होता है वो नहीं समझ में आता है अश्विन जी का एक सेशन है ऑन इंटेग्रिटी काइंडली उस प्रोग्राम को एक बार दो बार तीन बार वीडियो देख लेना बहुत बढ़िया वीडियो है यस yes, एनीथिंग और कुछ बताना चाहेंगे कोई सपने हैं आपके और कुछ या कोई मैसेज आप आ, लोगों को देना चाहेंगे सर मैं मैसेज जरूर एक के देना चाहूंगी जो मैं अपने लिए प्रैक्टिस करती हूँ कि भरोसा Believe in magic. अपना जितना हमारा भरोसा बढ़ जाएगा उतना ही बड़े मैजिक होंगे अभी मेरा भरोसा सिर्फ इनोवा कार तक है और आई थिंक विंटर में मैं लेने वाली हूँ और... <laughs> <laughs> लेकिन मुझे बी एमडब्ल्यू चाहिए इनोवा दूसरी बी एमडब्ल्यू तो भरोसा कि भाई बिलीव इन मैजिक कि आपका भरोसा कितना ज्यादा है तो बहुत सारे अपने भरोसे को इतना बढ़ाए प्रैक्टिस को बार बार सेशन अटेंड कर करके भरोसा बढ़ता है

फिफ्टी पहले की बात है तो बोलते हैं अगर वो मर्सिडीज गाड़ी देखती थी उस जमाने में फिफ्टी तो उसे लगता था अरे ये कितनी बढ़िया गाड़ी है मतलब ये कैसे अमीर लोग रहेंगे जो मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हैं उन्होंने एक अच्छी फीलिंग दी थी एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड टू मर्सिडीज एज अ चाइल्ड ओके टुडे आई हैव थ्री मर्सिडीज हम लोग चलाने वाले चार लोग हैं तीन मर्सिडीज हैं हाँ विल कम आपको नहीं पता सपने देखना सीखो एक मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ ये यह यहाँ पर मृदुला जी वीडियो ऑन करके बैठी हैं। मृदुला जी और मैं दोनों गए थे हम अभी भुवनेश्वर पूरी गए थे तो मृदुला जी ने बताया कि वो पंद्रह साल से उस होटल में जाती है दस पंद्रह साल से और वहां पर एक रॉयल विला है बोले मैं एक दिन रॉयल विला में रुकूंगी अब ये बात है दस पंद्रह साल पहले की अब जब हम इस टाइम गए अब एक महीने पंद्रह बीस दिन पहले या एक महीने पहले मेफेयर होटल में वहां का जो ओनर थे वो मेरे पहचान वाले निकले वो शायद हमारे पार्टिसिपेंट थे और उन्होंने हम गए तो बोले नहीं आपको यहाँ नहीं रहना आपको ये रॉयल विला में ही रहना है और वो रॉयल विला वाज लाइक फाइव स्टार बोले तो सुपर डुपर मतलब बारह सो स्क्त फुट का तो हॉल था और बेडरूम बेडरूम में मतलब दो दो बाथरूम प्राइवेट स्विमिंग पूल लॉन मतलब अमेजिंग अब क्या पता मृदुला जी साथ में थे और उनका मैनिफेस्टेशन मेरे काम आ गया इतना बड़ा रूम प्राइवेट स्विमिंग पूल प्राइवेट डेक लॉन मतलब अमेजिंग मैंने ऐसा रूम कभी भी नहीं देखा

बी एमडब्ल्यू मैनिफेस्ट कर दिया है इट इज पॉसिबल एंड दट इज फेथ इज फेथ वो होगा मेरे साथ मैं भगवान का बच्चा हूं मांगो तो सही गॉड विल गिव यू भगवान देता है एंड यू गिव यू एट द राइट टाइम याद रखना ये बात भी सही समय पे देगा मांगते रहना और फेथ रखना हैप्पी रहना, रहना लोगों को काम करना अच्छे इंसान बन जाना भगवान तुमको जरूर देगा देना ही पड़ेगा Have that faith. और अगर नहीं भी देता है तो याद रखना कहीं ना कहीं आपके मांगने में आपके बिहेवियर में आपकी सोच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है जैसे शारदा जी रस्ते पे जाते हैं लोगों को मैजिकल डस्ट देते हैं अच्छी दुआएं निकलती हैं। मतलब अच्छे सोच हर किसी के लिए जो इंसान ऐसा रहेगा उसकी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी ये याद रख के चलना जो आदमी नेगेटिव सोचता है दूसरों के लिए जजमेंट करता है क्रिटिसाइज करता है ही विल नॉट अकम्प्लिश हिज ड्रीम्स सपने पूरे नहीं होंगे ओके सो एनीथिंग एल्स जी यू लाइक टू शेयर ऑन दिस ग्रुप प्लेटफॉर्म और

हमें कौन मणि तो मनिजुझा मृदुलक जी कौन थे उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम जी। अंशु जी अंशु जी ने जिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने कुछ तो भी रिकॉर्ड बना दिया था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उनका एक फंक्शन रखा गया था वो कहीं गई थी वहां पर उस फंक्शन में और अवार्ड मिला था कितने लोगों ने लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम सुना है अंशु मालिनी यस राइट लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वहां पर इंडिया में कोई अच्छा कोई रिकॉर्ड बनता है तो उस बुक में उनका नाम आता है और वो रिकॉर्ड का डिस्क्रिप्शन आता है अब मैंने ये सोचा है कि मैं भी ग्रैटिट्यूड मैजिकल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाऊंगा जिन जिन लोगों ने ग्रैटिट्यूड करके जिंदगी में जादू क्रिएट किए हैं उनके फोटोग्राफ उनकी ये जो पांच छे क्वेश्चंस हैं, वो पूरे फॉर्मेट एक फॉर्मेट रहेगा उनकी सिग्नेचर रहेगी और ऐसी एक बुक बनाऊंगा एवरी ईयर हर साल मतलब अगर आपकी जिंदगी में कुछ मैजिक हुए हैं आपने वो फॉर्मेट में लिख के बना के देना है और उसकी एक किताब छपेगी हाउ इज दिस आइडिया कैसा लग रहा है कि आपका भी एक मैजिकल बुक रिकॉर्ड मैजिकल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में ये भी है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स हर साल की हमारी एक मैजिकल ग्रैटिट्यूड मैजिकल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब जिन जिन लोगों ने ग्रेटिट्यूड करके मैजिक्स क्रिएट किए हैं वो अपने बारे में लिखेंगे सेम फॉर्मेट में और वो एक रिकॉर्ड बन जाएगा एक किताब प्रिंट होगी और उसका हम लॉन्चिंग हर साल करना है समथिंग समथिंग लेटेस्ट थिंग सपने देखते रहेंगे सपने पूरे करते रहेंगे और मजे की जिंदगी जीने वाले हैं हम सब एक अद्भुत जिंदगी जीने वाले हैं थैंक यू वेरी इंस्पिरेशनल आपने जो जो बातें बताई बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छे से बताई थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस थैंक यू सो मच थैंक यू ओके नाउ this was amazing so let's clap and say to ourselves thank you so much you. okay.